अनराजी एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया मानती है। उनके नाम से इतनी चीजें मशहूर हैं। He is considered to be a polymath. Polymath क्या होता है? जिसको बहुत सारी चीज का इल्म होता है। He was a musician. He was a physician. He was a psychiatrist. He was a psychologist. He was so many things. उन्होंने 237 किताबें लिखी, एस्ट्रोनॉमी पे किताबें लिखी, बहुत सारी और चीजें की जो सारी रिसर्च अब हमारे पास आती है ना कि ये जो कार्स, ये कार्स कहाँ से इन्वेंशन, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट की बेसिक रिसर्च के ऊपर कार है, ये हवाई जहाज एयरप्लेन जिसको आप कहते हैं, ये भी एक मुस्लिम कहते हैं ना राइट ब्रदर्स ने कहा, नो उससे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुका था। अगर और उसके बाद आप जो कहते हैं ये नेविगेशनल स्किल्स, ये कैलकुलेटर, ये सब जो है ये मुस्लिम साइंटिस्ट से आया है। ये जो मोबाइल फोन पे हर वक्त आपके पास कैमरा रहता है, ये कहाँ से आए? ये सारी ऑप्टिक्स की दुनिया, ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं और उसी रिसर्च पे बेस होते 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 आज यहाँ तक पहुंची है। और जिसको यूरोपियंस डार्क एजेस कहते हैं, वो एक्चुअली खुद उस वक्त डार्क एजेस में रहते थे, हम तो गोल्डन एरा ऑफ डिस्कवरीज में रहते थे। लेकिन जानना ये जरूरी है कि ये सारी चीजें हम कैसे कर रहे थे और हमसे निकल के वो उनके पास कैसे चली गई। सो स्टे कनेक्टेड। हुआ क्या कि जब देखिए इल्म हासिल करने के लिए ना कोई आपको हिंदू मुस्लिम पर जिसके पास भी इल्म है जाइए सीखिए। अंग्रेजों ने क्या किया, जब सारा इल्म यहाँ पर था तो वो आए अरबी सीखी, सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद वो सारा रिसर्च, वो सारा कुछ लर्न किया, फिर अपने वहां गया और अपनी लोगों को बिठा दिया। याद रखिए ये वाइब्रेशन है, हम सब वाइब्रेशन पे बेस्ड है, और अगर आपके अंदर वो वाइब्रेशन नहीं है, हो सकता है आप टेम्पररी सक्सेस ले भी लें लेकिन आप उसको लेके नहीं चल पाएंगे, वो आपसे चली जाएगी। तभी आपने देखा लोग ऊपर जाते हैं और एकदम से फिर नीचे आते हैं, क्योंकि वो उनकी सारी चीज झूठ पे बेस्ड होती है। तो अलराजी ने क्या किया, उन्होंने सारी जिंदगी रिसर्च की, काम किया, इतनी मुख्तलिफ चीजें सीखते हुए चले आए, और जब उनको हेड ऑफ फिजिशियन बनाया गया तो उसके बाद जो अमीर थे वहां के, जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने कहा कि हमें हॉस्पिटल बनाना है शहर में, तो ये आप डिसाइड करें कि कहाँ। अगर आपको जानना है ये कि वो किस यूनिक तरीके से उन्होंने क्या किया कि जब वो हॉस्पिटल के लिए जगह डिसाइड कर रहे, तो स्नेक कनेक्टेड, ये आपने कभी नहीं सुना होगा पहले। तो अलराजी ने क्या किया, जब उन्हें कहा गया कि आप हॉस्पिटल के लिए जगह देखें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे शहर के मुख्तलिफ जगहों पर गोश्त टांग दिया। गोश्त, यस एब्सोल्युटली गोश्त टांगा। और क्या हुआ, उन्होंने ये चेक करना था कि कौन सी जगह पे गोश्त जो है वो जल्दी रॉट होता है और कहाँ पे देर से होता है, क्योंकि मरीजों के लिए एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट हो, साफ हवा हो, बाकी चीजें भी ठीक हो, तो उनकी सेहत जल्दी ऊपर जाएगी। तो दिस वाज टिपिकल ऑफ राजी, रिसर्च करते थे, एनालिटिकली चीजों को एनालाइज करते थे, फिर उसके ऊपर उनका इल्म बेस होता था और फिर डिसीजन लेते थे। तभी आइंदा इतने 100 साल गुजर चुके हैं, उनका नाम है हमारे पास। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद वो इस तरह से वो फिर लोगों को ट्रीट करते थे, तो जिस रुकी है इससे आपको कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पे आपको पता चलने वाला है कि आजकल के रूलर्स और उस वक्त के जो हेड ऑफ फिजिशियन या जो भी थे अपने अपने महकमों के हेड, वो किस तरह से डिसीजन थे, किस तरह से स्पिरिचुअली वो चीजों के साथ कनेक्टेड थे। सो स्टे कनेक्टेड। जब उनको हेड ऑफ फिजिशियन बना दिया गया तो वो सारे शहर में फिरते रहते थे। अब ये सारा बैकग्राउंड आपको वहां से मिलता है कि जब हजरत उमर को हेड ऑफ द स्टेट बनाया तो वो बैठे नहीं रहे, वो फ्रंट लाइन पे आए, वो ढूंढते थे अपने लोगों को कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, रात को भी फिरते थे और फिर उसके घरों में चीजें छोड़ के आते थे। यही राजीद की स्पिरिचुअलिटी थी, वो सारे शहर में फिरते थे, हालांकि वो हेड ऑफ फिजिशियन थे, सारा कुछ उनके हाथ में था। उन्होंने देखा कि एक जो बुरी औरत है वो काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है और उसे बहुत ही बीमार है, खांस रही है। अब एक फिजिशियन थे, उनकी नजर थी, दूर से देखती है, उन्होंने कहा यार ये बुढ़िया तो बहुत बीमार है। उन्होंने कहा यार तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती और तुम ये काम क्यों कर रही है? उसने उनको कहा यार आपको क्या पता है कि जिंदगी बसर किस तरह होती है, मैंने काम नहीं करना तो मैं रहूंगी कैसे? उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे बताओ तो। उसने कहा जी मैं गई थी हॉस्पिटल, उन्होंने सारा मेरा पैसा वूसा ले लिया, उसके बाद अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं बीमार हूं, जो मर्जी काम तो मुझे करना है। अब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को देखा और फिर उन्होंने दोबारा उस औरत को कहा कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम कल मेरे हॉस्पिटल आओ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ आगे क्या करना है। अब उस लड़की तो वो औरत तो एकदम से उसको खुशी की कि किस तरह निकली, फिर कहा कि तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल में सारे जितने बूढ़े लोग हैं उनका फ्री इलाज होता है। अब उस तो खुशी से निढाल हो गई, उसने कहा कि मैं जरूर आऊंगी, अब इधर वो उन्होंने कहा तुम अपने घर जाओ आराम करो। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये किस तरह से हुआ है, ये किस तरह से इसके सारे पैसे इस बुरी औरत से ले लिए गए, जाके चेक करो और सारे पैसे इसको वापस करो। ये थे वो लीडर्स जो अंदर तक निगाह रखते थे। फिर उसके बाद वो ये नहीं किया कि जब वो हेड बन गए तो उन्होंने उनके लिए उनके जो एक जैसे ही हेड बनते हैं तो हमारी गर्दन में एक सरिया आ जाता है, ओके मैं तो वही हूँ, सब मेरी ही मानते हो, मुझे सारा कुछ पता है। वो उन्होंने ये नहीं किया, उसको बुलाया वहाँ पे, उसको बुलाया, उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा, उसको बुलाया, उसको कहा कि यार कि तुम मैं ना तुम्हारे लिए एक स्टाइपेंड लगा रहा हूँ, तुम्हें हर महीने में पैसे मिला करेंगे, लेकिन तुम्हें ना एक कुछ काम करना है मेरे लिए। अब उस औरत ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैसों का, लेकिन मैं इस उम्र में क्या काम कर सकती हूँ, मैं इस बूढ़ी में। उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम काम कर सकती हो, हम तुम्हें पैसे देंगे कि तुम जब तुम्हारा काम ये है कि तुम हर महीने आओ
और अपना इलाज करा लो। इससे क्या होगा? इससे क्या ये होगा कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं रिसर्च भी करता रहूंगा, मुझे पता चलता रहेगा कि बूढ़ों की जिंदगियों में क्या चेंज आता है। अब वो औरत समझ गई, उसने स्माइल की, उसने उसकी नेकदिली पे उसका बहुत शुक्रिया किया, उसकी दुआ दी उनको और वो वहां से चली गई। ये था वो तरीका कि जब आपने किसी की मदद करनी होती है तो ये नहीं कि पूरी जिंदगी में सेल्फियां उतरवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चीजें डाल रहे हैं और बस चली जा रही हैं चीजें और वो चीज चूर जो गई थी वो भाड़ में। तो ये है कि किसी को पता भी ना चलने दिया और उसकी मदद नहीं करती। तो ये थे टिपिकल राजी, ये थे एक ऐसे इंसान जिन्होंने डॉक्टरी का, मेडिसिन का सारा शोबा इसलिए अपनाया कि वो लोगों की वाकई में खिदमत करना चाहते हैं।